अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ग्रिप ऑन व्हील्स। मेरा नाम सैयद उमर शाह है। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं ये है हमारे पास टोयोटा करोला ग्रैंडी। सो व्यूअर्स, अगर आपको मैं ग्रैंडी की हिस्ट्री के बारे में बताऊं, ग्रैंडी टोयोटा ने 2014 में लॉन्च की थी और टिल डेट ये गाड़ी मार्केट में अवेलेबल है। 24 से 25 लाख के बजट में ये गाड़ी आई थी और इस टाइम जो बेज इंटीरियर के साथ गाड़ी ग्रैंडी आ रही है वो 61,49,000 की है और जो ब्लैक इंटीरियर में ग्रैंडी आ रही है वो 61,99,000 रुपए की है। सो 24 लाख से 62 लाख का जो सफ़र है, इसमें मैं आपको बताता चलूँ जो की पॉइंट है, इंजन और जो इसका गियर बॉक्स है 100% सेम है। टोयोटा ने इसमें बीच में माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं, फेसलिफ्ट वेरिएंट्स आए हैं और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितनी हाई इन्फ्लेशन की वजह से जो इसकी मार्केट वैल्यू है वो 24-25 लाख से 61-62 लाख तक पहुँच चुकी है। सो व्यूअर्स, हर साल डिफरेंट फेसलिफ्ट्स आए हैं, डिफरेंट इसमें चेंजेस आई हैं। सो हम आपको साथ साथ बताएंगे कि इस डिफरेंट वेरिएंट्स में क्या क्या फ़र्क था और क्या क्या चेंजेस आई। सो व्यूअर्स, जो 2014 और 15 में ग्रैंडी थी उसमें हमें क्रोम इसके 15 इंच का रिम मिल जाता है। 2016 में थोड़ा चेंज किया गया जिसमें हमें स्मोक इसके जो अलॉय रिम्स थे वो मिल गए थे। ये जो हमारे पास वेरियंट है ये टोयोटा ग्रैंडी 2017 मॉडल है जिसमें हमारे पास अगेन सिल्वर क्रोम इसके रिम दिए गए थे 15 इंच में और इसमें एक नाइफ की दी गई थी इमोबिलाइजर के साथ और जो उसमें फ़र्क था वो एक जो एसी है वो क्लाइमेट कंट्रोल वाला दिया गया था हमें। सो ग्रैंडी हमारे पास सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी आ जाती है और 6-स्पीड मैनुअल में हमें ग्रैंडी मिल जाती है। सो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं ये सीवीटी आई टॉप ऑफ द लाइन ग्रैंडी है विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। सो व्यूज, अगर हम गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात करें तो हमें इसमें सिंपल हैलोजन लैंप्स मिल जाती हैं, फॉग लैंप मिल जाता है, क्रोम इसकी ग्रिल मिल जाती है और विद फ्रंट कैमरा भी इस गाड़ी में मिल जाता है। सो फिर अगर हम गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करें तो हमें ब्लैक एंड बेज टोन में इसका इंटीरियर मिल जाता है और जो सीट्स हैं वो लेदराइट मटेरियल में हैं। ये जैसे कि आपको बताया टॉप ऑफ द लाइन सीवीटीआई ट्रांसमिशन है तो इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में गियर बॉक्स मिल जाता है, इसमें पैडल शिफ्टर्स भी हैं, आप चाहें तो क्रूज टॉनिक करके प्लस माइनस करके भी मैनुअल इस गाड़ी को चला सकते हैं। मोर ओवर इसमें जो एसी है वो क्लाइमेट कंट्रोल के साथ दिया गया, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी बेहतर है, एंड्रॉयड सिस्टम इसमें दिया गया है। मीटर क्लस्टर की बात करें तो आरपीएम मीटर, स्पीड गेज और हमें इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हम देख सकते हैं, इसके फ्यूल एवरेज, इसका ट्रिप। इसका एसी बहुत अच्छा है, ग्रैंडी का परफॉर्मेंस ऑप्टिमम है। इसमें रिटेक्टेबल मिरर्स हैं, मोर ओवर इसमें हमें सनरूफ मिल जाता है, इसमें पावर विंडोज हैं। अंदर से गाड़ी काफ़ी स्पेशियस है, जो एक चीज़ मैं इसमें फील करता हूँ ड्रॉबैक, जो इसका डैशबोर्ड है वो काफ़ी ऊपर उठा हुआ है। सो ये विजन में काफ़ी आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, क्लैरिटी जो है वो डैशबोर्ड की वजह से आपको आगे से फ्रंट में कम मिलती है। तो अभी अगर हम गाड़ी की बैक प्रोफाइल के बारे में बात करें तो हमें इसमें नंबर ऑफ एम्बलम्स मिल जाते हैं, टोयोटा मशहूर है अपने एम्बलम्स बढ़ाने के लिए। सो इसमें आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एम्बलम्स हैं जिसमें टोयोटा का स्टिकर मिल जाता है, करोला एल्टिस, क्योंकि चूंकि ये सीवीटीआई वेरिएंट है तो इसमें सीवीटीआई का आपको बैज मिल जाएगा। सिंपल इसमें टेल लाइट्स मिल जाती हैं विद क्रोम लाइनिंग और हमें टोयोटा का मोनोग्राम भी इसमें मिल जाता है। ये पाकिस्तान में इस गाड़ी की काफ़ी मकबूल गाड़ी है, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी बेहतर है और ये गाड़ी काफ़ी सस्पेंशन वाइज, ग्राउंड क्लियरेंस वाइज बहुत मजबूत है। रीसेल भी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। सो टोयोटा ब्रांड को लोग काफ़ी पसंद करते हैं हमारे पाकिस्तान में। उम्मीद करते हैं आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब ग्रिप ऑन व्हील्स और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। आपसे आने वाली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।